सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डेरिवेशन है ये कराची बोर्ड के एग्जामिनर का पसंदीदा तरीन सवाल है। मैंने 20 साल तो हो गए होंगे पढ़ाते हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन पिछले साल आया हो वो अगले साल भी आ जाए, लेकिन ये आ जाता है। ये वाला इसका सबूत यही है, 2018 में भी आया हुआ है, 2019 में भी आया हुआ है। अब ये अलग बात है कि 18 में शॉर्ट क्वेश्चन है, 18 में लॉन्ग क्वेश्चन है, 19 में शॉर्ट क्वेश्चन है, सही है। तो 18 में कुछ ज़्यादा चीज़ें पूछी हैं इसलिए लॉन्ग कर दिया, 19 में कम पूछा इसलिए शॉर्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ लें दोनों। 2018 में कहता है व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। 18 में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालें, जिसमें पहली बात है लीनियर वेलोसिटी उस फॉर्मूले में, तो ये एक फार्मूला हो गया। नंबर टू एंगुलर वेलोसिटी हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ही फार्मूला हो लेकिन उस फार्मूले में क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी हो। नंबर तीन टाइम पीरियड हो, ठीक है। तो तीन निकालना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है लेकिन तीन डिफरेंट फॉर्म्स में। 2019 में क्या कहता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर बार। इसमें कहता है सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, बस एक ही फार्मूला निकाल के छोड़ दो। तो जो वो कह रहा है व्हाट इज द कॉज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2019 में, और 2018 में कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन दोनों का आंसर क्या है, जो डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की कॉज क्या है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये इसकी डेफिनेशन भी है। तो दोनों क्वेश्चंस में जो पहला पार्ट है उसका आंसर तो ये रहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसी बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही हो और उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, वरना तो बॉडी सर्कल में मूव नहीं करेगी। ये मेरे हाथ में एक रस्सी है, ठीक है, और ये छोटी रस्सी है और इसके आगे क्या है, पत्थर है ये जो ब्लैक है, इधर मैंने इसको छोड़ा, किसको जाके लगेगा, इलियास की खोपड़ी गई, जहाँ आप इसको छोड़ेंगे उधर ही जाएगा। यहाँ आपने यूं ला के अपने हाथ यानी खोल दिया आपने, आपने हाथ इसको छोड़ दिया, रस्सी को आपने छोड़ा बस, तो ये सीधी जाएगी, जो इसकी सीध में आएगा उसकी आंख नाक का आंसर गया। तो इसका मतलब है ये तो चाह रहा है भाई मुझे सीधा जाने दो, ये पत्थर क्या चाह रहा है, मुझे सीधा जाने दो, आप कह रहे नहीं बेटा घूम घूम घूम। तो कौन घुमा रहा है इसको, आपका हाथ, आपका हाथ इस पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स की वजह से दायरे में घूम रही है, ठीक है, और ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी इधर जा रही थी अभी इधर जाना चाह रही है, अभी इधर जाना चाह रही है, ये इसकी डायरेक्शन मुसलसल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ आ गया ना, पहले भी हमने देखा था। अब इसकी हमने डेरिवेशन निकालनी है, तो जब हमने डेरिवेशन निकालनी है तो हमने किया एज्यूम कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल एज शोन इन फिगर वन। इसको मैं भी बड़ा करके दोबारा बनाऊंगा, फिलहाल मैंने छोटा बनाया। ये कोई बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है यूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमने क्या अजम्पशन की, आर है रेडियस इस सर्कल का, वी कॉन्स्टेंट स्पीड है, इसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कहते हैं स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज होगा फिर तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, हम उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को गायब ही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सिर्फ हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकले इसका यकीन करने के लिए हमने कहा कि भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड, इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। वी वन वेलोसिटी का वैक्टर है जब बॉडी है पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है, वी टू वेलोसिटी का वैक्टर है जब बॉडी है पॉइंट बी पर, इसको मिटा के अभी मैं बड़ी डायग्राम बना दूंगा दोबारा।
डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी हो गया, और तीनों को मैं एरो लगाएं कि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात, इसलिए एरो लगाए हैं, ठीक है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल है, वो टाइम जिसमें बॉडी ए से बी तक पहुंची, तो जब वो ए से बी तक गई है, डेल्टा एस, यहाँ पे डेल्टा एस होगा, अभी मैंने नहीं बनाया, और सेंटर में क्या होगा, डेल्टा थीटा, और ए सी हमने कह दिया ये हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम हो गया, सही है। तो ये तो सारे हमारे नाम हो गए, सिंबल्स हो गए चीज़ों के। इसमें कुछ मैथ की चीज़ें आएंगी जो हमें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो जाने में साइड पे अलग से समझा दूंगा। उसूल ये है कि ये मैट्रिक्स से आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता मैं साइड पे समझाऊंगा इंशाल्लाह, समझ नहीं आएंगी तो कोई बात नहीं, रट लेना, सही है ना। यही होता है पढ़ जब आप रहे होते हैं, मैक्सिमम कोशिश करें समझने की, नहीं समझ आ रहा तो वही फिर रट लो, सवाल तो एग्ज़ाम का काम तो हो ना, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये वो मैंने डायग्राम बना दी, ठीक है, जो यहाँ बनी हुई थी छोटी, एक मिनट लिखना छोड़े। हम एज्यूम कर रहे हैं बॉडी यूँ घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉइंट ए से उसने चलना शुरू किया, पॉइंट बी पर पहुँची, यही हमने कहा था, ए पर वेलोसिटी है वी वन, बी पर वेलोसिटी है, ए पर वो यूँ जाना चाह रही है, बी पर वो कोई फोर्स है जो उसको मजबूर कर रही है सर्कल में घूमने पर। अब सेंटर से लेकर ए तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस है, सेंटर से लेकर बी तक का डिस्टेंस वो भी रेडियस है। फर्ज करें ए से बी तक आने में टाइम डेल्टा टी लगा, तो डेल्टा टी टाइम में वो ए से बी गया है, तो ये जो अलोंग द सर्कल है जो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा एस है, और जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा। अगर हम गौर करें तो एक ट्राइंगल बन रही है। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि ए से बी एक सीधी लाइन है, सेंटर को अगर मैं ओ नाम दे दूँ, तो ओ ए बी एक क्या बन गई, ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड्स क्या है, आर और आर, और तीसरी साइड क्या है, डेल्टा एस। तो जिस ट्राइंगल की दो साइडें एक जैसी होती है उसको कहते हैं आइसोसेलीस, क्या कहते हैं, सेलीस। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि ये जो वेक्टर है, याद है हमने क्या कहा था, इसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेडियस के साथ 90 डिग्री होता है। ये वी वन यहाँ 90 डिग्री है, वी टू यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है, वो क्या कहता है, पहले मैंने ये देखे क्या लिखा है, वेक्टर्स वी वन एंड वी टू आर कम्बाइंड एज शोन इन फिगर टू। ये वी वन है, वी टू को इसके साथ लाके क्या कर दिया, मिला दिया। वी वन ये वी टू को इसके साथ यहाँ ला के जोड़ दिया, तो ये वी वन वी टू जुड़ गए, और वी वन के हेड से एक वेक्टर ड्रॉ किया वी टू के हेड तक, यहाँ इसकी टेल है, यहाँ इसका हेड है, ये क्या है, डेल्टा वी है, क्योंकि इस तरह ड्रॉ करेंगे तभी ये डेल्टा वी बनेगा। डेल्टा क्या होगा, वी टू माइनस वी वन। अभी आगे हम देख लेते हैं, वेक्टर्स वी वन एंड वी टू आर कंबाइंड एज शोन इन फिगर टू। अब ये जो वी वन और वी टू के दरमियान एंगल है, ये क्या होगा, तो मैथ बताती है, कौन बताता है, मैथ बताती है, मैथ, मैं नहीं बता रहा, कौन बता रहा है, मैथ्स ये बता रही है कि वी वन और इस आर पे परपेंडिकुलर है, और वी टू इस आर पे परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल आर और आर के दरमियान है वही एंगल वी वन और वी टू के दरमियान होगा। उर्दू में तो ये कहानी लिखनी है, तो कहानी क्या लिखनी है, वी नो दैट एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, कौन है दो परपेंडिकुलर लाइंस, वी वन और वी टू, इज द सेम एज एंगल बिटवीन लाइंस, वही होगा जो लाइंस के दरमियान है, कौन सी लाइंस, आर और आर, वी वन और वी टू का एंगल वही होगा जो आर और, ये मैंने रूल लिखा है, ये वो रूल है, यहाँ मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, एग्जाम में नहीं कीजिएगा, ये तो रूल लिख दिया कि परपेंडिकुलर के दरमियान एंगल वही होगा जो लाइंस के दरमियान है, सही है, जिन लाइंस में वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, दस एंगल बिटवीन वी वन एंड वी टू इज ऑल्सो डेल्टा थीटा, क्योंकि वी वन आर एक आर में परपेंडिकुलर, वी टू दूसरे आर में परपेंडिकुलर, तो जो आर और आर का एंगल है वही वी वन और वी टू। तो ये लाइन आपने रटनी है, ये रूल है, थ्योरम है, समझ लिया, आपने मैट्रिक में थ्योरम पढ़े थे ना। अच्छा, अब वी वन वी टू और डेल्टा वी, ये एक ट्राइंगल बन गई। हमने कहा था इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वी वन का मैग्नीट्यूड भी वी है, वी टू का मैग्नीट्यूड भी, यानी इस ट्राइंगल की ये वाली साइड अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ वी है, इस ट्राइंगल की भी ये वाली साइड क्या है वी है, इन दोनों के दौरान एंगल भी क्या है, डेल्टा थीटा।
तो ये भी आइसोसेलीस ट्राइंगल है, इसके दरमियान भी एंगल डेल्टा थीटा, इसके दरमियान भी एंगल डेल्टा थीटा, एंगल सेम है, एंगल सेम है। अब जब ये एंगल सेम है तो बाकी एंगल्स भी सेम होंगे, बहरहाल ये सिमिलर ट्राइंगल्स बन गई। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती है, यहाँ मैंने अलग से समझाया हुआ है आपको। फर्ज करें आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये इसकी ये वाली साइड 5 है, ये वाली साइड भी, और यहाँ कोई एंगल है थीटा, यहाँ कोई एंगल है थीटा, दो साइडें बराबर है, तीसरी साइड कुछ भी हो सकती है मुझे नहीं पता, सही है एंगल के रेस्पेक्ट से। एंगल चेंज होगा तो ये साइड भी, देखो ना भाई, अगर एंगल छोटा करोगे तो ये करीब आ जाएंगी तो ये साइड छोटी हो जाएगी, एंगल बड़ा करोगे तो ये साइड, तो जैसे जैसे आप एंगल चेंज करोगे एक्स भी चेंज होगा, लेकिन बहरहाल किसी एक थीटा पे कोई एक वैल्यू होगी, सही है। अब मैंने इन सब को बढ़ा दिया, इस 5 को 10 कर दिया, इस 5 को भी, तो एक्स क्या हो गया, तो एंगल वही रहेगा। मैंने इसी को मैं सीधा आगे ले आया ना, तो जब ये बड़ा हो गया एक्स भी, एंगल वही है, तो लग रही है कि मैं दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं, लेकिन बेसिकली इनको हम कहते हैं ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं एक जैसी। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसका रेशो निकालूं, ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, ये वो वाली साइड, ये वाली साइड वाली, ये इक्वल साइड नहीं है, एक्स अपॉन फाइव, ये क्या होगा 2x/10, तो ये 2 1 2 2 5 10 हो जाएगा ना, x/5 = x/5 ही आएगा, ठीक है। इनको कहते हैं हम सिमिलर ट्राइंगल्स, इनको हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। अगेन अगर समझ में नहीं आया तो रट्टा मार लो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पहली बात तो ये बताई गई है कि ये जो फिगर मैंने बनाई है इसमें v2 जो है वो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट की याद है मैंने पहचान बताई थी वेक्टर में, उसके हेड पे हेड होता है, उसके टेल पे टेल होता है, तो v2 के हेड पे हेड है और v2 के टेल पे, वैसे भी हेड टू टेल रूल याद करो, पहले वेक्टर को ड्रॉ कर दो, तो फर्ज कर लो v1 मेरा पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल, तो डेल्टा v की टेल इससे भी ली है। रिजल्टेंट क्या कैसा होता है, पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर का, तो यही रिजल्टेंट बन रहा है ना। तो v2 क्या है, v1 प्लस डेल्टा v, अगर v1 यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से हमने ये साबित कर दिया कि डेल्टा v है v2 माइनस v1। डेल्टा v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा v क्या है, चेंज इन। अब आगे हम दोबारा आगे वापस के डेल्टा थीटा इज सेम इन ट्राइंगल्स ऑफ फिगर 1 एंड फिगर 2। डेल्टा थीटा जब सेम है और दोनों आइसोसेलीस हैं तो ये ट्राइंगल्स क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मैंने फिगर 2 को लिया पहले, इसकी जो साइड बराबर नहीं है डेल्टा v अपॉन वो साइड जो बराबर है, या ये ले लो या ये ले लो, ये भी v है ये भी v है, तो डेल्टा v अपॉन v, तो इसकी कौन सी साइड बराबर नहीं है डेल्टा s, और बराबर कौन सी है r, तो ये दोनों का आंसर क्या होगा, सेम, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बहरहाल आगे ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, इस v को हम इधर ले आए तो ये क्या हो गया, v मल्टीप्लाई बाय डेल्टा s अपॉन, जाग रहे हो, यस सर। अब मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी के नीचे टाइम होना चाहिए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया वी डेल्टा एस, आर नीचे से पहले ही मौजूद था, डेल्टा टी से क्या हो गया, आर से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वालों से डिवाइड हो गया, ठीक है भाई। थोड़ा हम कहाँ तक पहुँच गए थे वो मैंने मिटा दिया, ठीक है, क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर था, वी डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा टी, ठीक है। अब जब ये डेल्टा देखें, ये डेल्टा एस है हमारा ना, ये डेल्टा एस है, डेल्टा एस तो अभी कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है हमारी, जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को हम वेलोसिटी कब कहते हैं, लीनियर वेलोसिटी, जब वो स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं एज्यूम ये कर लूँ कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, समझिए यहाँ से यहाँ गया, टाइम जितना कम करूँगा ये पीछे आता जाएगा ना, टाइम जितना ज़्यादा करूँगा ये आगे जाएगा, टाइम जितना कम करूँगा ये, तब मैं टाइम कम कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल कम कर दिया भाई, ये ए से थोड़ा सा आगे गया, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगी बहुत छोटी, सही है, हंस रहा है।
आंखें बंद करके सोच बेटा, एक बहुत बड़े दायरे में घूम रहा है। जमीन नजर आ रही है तुम्हें? स्ट्रेट है ये कमरा का फर्श, स्ट्रेट नजर आ रहा है? जमीन तो स्ट्रेट नहीं है, जमीन यूं गोल है। क्यों स्ट्रेट नजर आ रही है? क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल है। जितना बड़ा सर्कल होगा, बहुत आगे जाके आपको नजर आएगा। समंदर में चले जाओ ना, यूं लग रहा होता है जमीन आगे से यूं मुड़ रही है। वो मुड़ क्या रही होती है, उसका कर्वा जाता है फिर। तो छोटे सर्कल में जब छोटा डिस्टेंस लोगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा। वो भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। बहरहाल डेल्टा टी जब जीरो होगा तो डेल्टा स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पे लिमिट लगा दी कि डेल्टा टी को हमने क्या करना है, छोटा लेना है। अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लेफ्ट साइड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी थी, राइट साइड थी वी अपॉन आर, ऊपर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इनको अलग करके लिख लिया हमने मल्टीप्लाई करके। क्यों किया? क्योंकि वी कॉन्स्टेंट है, आर भी कॉन्स्टेंट, में लिमिट नहीं लगती। कॉन्स्टेंट को बाहर ले लिया, लिमिट चेंज भी लगा दी। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। क्योंकि हमने कहा मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी का चेंज नहीं हो रहा, ये डायरेक्शन में चेंज की वैसे, इसलिए क्या है, अपनी मर्जी नहीं है, बता दिया हमने कि चेंज इन डायरेक्शन है। और डेल्टा वी अपॉन आर अपनी जगह पे, इस पूरे की जगह आ गया वी, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वी मल्टीप्लाई बाय वी, वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। वो जो पहला क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा था 2019 में कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन निकालो, तो आप यहाँ तक करके छोड़ दोगे, सही है? ये मैंने लिखा है, 4 मार्क्स एंड हो गए यहाँ। आगे उसने क्या कहा था 2019 में कि लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में निकालो, तो ये लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में। सेकंड उसने क्या कहा था, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। तो हमने लास्ट वीक ये डेरिवेशन की थी ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी की जगह पुट कर दिया आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर का भी स्क्वायर, ओमेगा भी स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर कैंसिल, एक आर बच गया, तो ए सी क्या हो गया, आर ओमेगा, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। थर्ड उसने कहा टाइम पीरियड, ओमेगा बराबर होता है 2π अपॉन टाइम पीरियड, ये टी टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड हमने पढ़ा नहीं, अभी समझाता हूँ ये कहाँ से है। तो 2π अपॉन टी यहाँ पुट किया, तो ए सी क्या हो गया, आर अपनी जगह पे, ओमेगा की जगह 2π अपॉन टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4π का स्क्वायर, पाई स्क्वायर टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो अगर नंबर को हम पहले लिखते हैं नॉर्मली, तो 4π स्क्वायर पहले लिख लिया, आर को बाद में लिख लिया, अपॉन टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये टाइम पीरियड की फॉर्म में फॉर्मूला हो गया, सही है? हो सकता है वो एग्जाम में यही सवाल दे दे और 7 नंबर का दे दे, तो आपको ये करने की भी जरूरत। अगर वो कहे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चाहे वो 4 नंबर का हो चाहे वो 7 नंबर का हो, आपने यहाँ तक आके रुक जाना है। अगर ये कहेगा तो निकालना है, वरना जरूरत, हाँ आपका दिल है, टाइम है, 2 मिनट लगते हैं तो निकाल दो एग्जामिनर को, सही है? लेकिन 7 नंबर का क्वेश्चन में उसने सिर्फ कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, तो भाई ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम ज़ाया मत करें, एक एक मिनट कीमती है, ठीक है? अब टाइम पीरियड